हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिवारी टेरेस गार्डन। मेरा आज का वीडियो स्ट्रॉबेरी के ऊपर होने जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्ट्रॉबेरी बहुत ही स्वादिष्ट फल है और हमारे सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसी के ऊपर आज मेरा वीडियो होने जा रहा है कि इस प्लांट को कैसे केयर करना है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड हर तरह के प्लांट्स के बारे में, मेडिसिनल प्लांट, फ्लावर प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, फ्रूट प्लांट से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, उनके फायदे भी बताता हूँ और मिट्टी कैसे तैयार करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे तैयार करना है, इसकी भी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है, आप उनको जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम अब चर्चा करना शुरू करते हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी हमारे सेहत के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण फल है। आप अक्सर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज किए होंगे, जैसे उस फ्लेवर का आइसक्रीम वगैरह भी आता है। स्ट्रॉबेरी विटामिन ए और विटामिन सी से भरा हुआ रहता है, प्रचुर मात्रा में होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी भरपूर रहता है। स्ट्रॉबेरी खाने से हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है और हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको भी स्ट्रॉबेरी कम कर देता है और स्किन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसमें स्ट्रॉबेरी बहुत ही फायदेमंद है। यदि आपके चेहरे पर कील मुहासे हो, झुरियां हो, कोई ब्लैक स्पॉट आ रहा है चेहरे के ऊपर, तो आप स्ट्रॉबेरी का सेवन करेंगे तो उससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ज्यादा हम डिटेल में इसके फायदे के बारे में नहीं जाएंगे। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे, जब स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग करेंगे, तो उस समय इसका फायदा हम डिटेल से आपको बताएंगे। अभी स्ट्रॉबेरी के प्लांट को कैसे केयर करना है वो बताएंगे हम। स्ट्रॉबेरी ठंड प्रदेश में भी बहुत अच्छी तरह से उगता है। ये हमारे देश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, J&K में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, ये प्रचुर मात्रा में लोग इसको लगाते हैं, इसकी खेती करते हैं। आजकल तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है कि इसकी खेती होने लगी है। ये खास करके अमेरिका में, कैलिफोर्निया वगैरह में ये बहुत पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी लार्ज पैमाने पर खेती की जाती है। इसके लिए न्यूनतम 7 से 13 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। उससे कम टेम्परेचर होगा तो ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसको 6 घंटे की धूप जरूरी है, कम से कम 6-7 घंटे इस पौधे को धूप लगना चाहिए। पैड बना करके उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है, लेकिन छोटे गार्डनर बंधु हैं वो अपने टेरेस गार्डन में अपने छत के ऊपर भी स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए फ्रेंड्स, आपको मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिए हल्की भुरभुरी मिट्टी, दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, इसको सूट करता है। तो आप मिट्टी बनाते समय उसमें रिवर सैंड और कोकोपीट का मात्रा रखा करिए। रिवर सैंड होने से आपकी मिट्टी ढीली बन जाएगी और कोकोपीट होगा तो कोकोपीट भी एंटी फंगल होता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, नमी बनाने में वो सहायक होता है, इस नमी बना करके रखता है। इसलिए आप कोकोपीट और रिवर सैंड को उसमें मिट्टी बनाते समय आप यूज करिए। मिट्टी जब आप तैयार करते हैं तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डाल दीजिए। सड़ी हुई 1 साल पुरानी गोबर की खाद दे सकते हैं, लीफ कम्पोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कम्पोस्ट आप दे सकते हैं। तो उसमें मिट्टी बनाते समय ही उसमें प्रचुर मात्रा में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दीजिए। उसके अंदर आप आयरन डस्ट पाउडर भी मिला सकते हैं, रॉक फॉस्फेट भी मिला सकते हैं, कैल्शियम वगैरह के लिए आप ऊपर से उसमें एक्सेल पाउडर या बोन मिल पाउडर भी मिला करके अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करिए। मिट्टी कैसे तैयार करना है इसका भी 2-2 वीडियो है मेरे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा कि मिट्टी कैसे तैयार करना है। उस तरह से आप हल्की भुरभुरी मिट्टी बनाइए और इसको लगाइए। गार्डन में जब आप इसको लगाते हैं, कम से कम इसकी पॉट या ग्रो बैग में गहराई इसको कम से कम 7 इंच चाहिए ताकि इसके रूट्स जो है नीचे तक फैल जाए। ओवर वाटरिंग नहीं करना है, मिट्टी में नमी बनाए रखना है और ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ग्रो बैग में लगाते हैं नीचे से उसमें होल होना चाहिए ताकि पानी ठहरे ना। अगर पानी ठहर जाएगा तो इसके रूट्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, सड़ने गलने लगेंगे तो आपका पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसके रूट्स जो है मिट्टी के अंदर ना दबे। मेन जो रूट्स होता है वो मिट्टी के सतह से ऊपर कम से कम 1/2 इंच या 1 इंच ऊपर रहे। ऊपर रहने से क्या होता है कि उसमें फंगस वगैरह की समस्या ना हो। इसकी मल्चिंग करना भी जरूरी होता है। इस तरह से आप मल्चिंग कर सकते हैं, आप धान के पुआल वगैरह उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। बढ़ई वगैरह जो काम करते हैं तो उसके छिलके जो लकड़ी के निकलते हैं उससे भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मल्चिंग करने के लिए इस तरह के ग्रास का यूज करता हूँ जो कि कूलर के अंदर पीछे में दिया जाता है कूलर को कूल करने के लिए। तो इसके फायदा ये है कि ऊपर से देखिए स्टिचिंग है और ये बहुत सस्ते में करीब 40 रुपए के अंदर आ जाता है एक पैकेट, जिसमें 3 पीसेस ऐसे ऐसे होते हैं।
हैं, तो इसी को कैंची से कट करके इससे आप मल्चिंग कर लिया करिए। और नहीं तो अल्टरनेट में मैंने बता दिया कि इसके अलावा भी किस किस चीज से मल्चिंग किया जाता है। इस तरह से मल्चिंग करने से फायदा ये होता है कि जैसे ये आपके स्ट्रॉबेरी के फ्रूट है, अगर ये मिट्टी के संपर्क में रहेंगे तो इसमें फंगस लगने की समस्या रहती है, फंगस लग जाती है तो फ्रूट आपके खराब हो सकते हैं। हर साल मैं स्ट्रॉबेरी लगाता हूँ, ये कितने अच्छे देखिए ये स्ट्रॉबेरी इस तरह से पक रहे हैं। दोस्तों ये साल में दो बार होता है। सीड से उगाने के लिए आपको लगभग 20 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए अगर आप सीड लगा रहे हैं तो सीड लगाने में भी आपको 30 दिन एक महीना करीब पौधे जर्मिनेट होने में लग जाते हैं। अगर आप सीड से पौधे तैयार करना चाहते हैं तो इसको आप अक्टूबर माह में ही लगा दीजिए ताकि ये सितंबर तक तैयार हो जाए, फिर उसको अलग आप पॉट के अंदर लगा सकते हैं। वाटर का जो बोतल है 2 लीटर का उसको भी कट करके आप उसमें लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। और अगर बड़े साइज के गमले 12 इंच के या 14 इंच के गमले में आप लगा रहे हैं तो उसमें दो पौधे भी आप लगा सकते हैं। जो छोटे गमले हैं इस तरह से 8 इंच के जो गमले हैं इसमें आप एक एक पौधा लगा सकते हैं। इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट है, इसमें हमने एक पौधा लगाया हुआ है। इस तरह से जो पत्ते इसके सूखने लगते हैं तो इसके पत्तों को आपने तोड़ लेना है, जो भी पुराने पत्ते लगने लगे कि हाँ भाई ये पत्ते सूखने वाले हैं तो ये अननेसेसरी एनर्जी प्लांट से लेते हैं। अब ये देखिए 12x12 का ग्रुप है, इसमें हमने दो पौधे लगाए हैं, एक यहाँ, इसको मैंने मल्चिंग कर दिया है। इस तरह से जो छोटे हैं पौधे, ये देखिए एक एक पौधा लगा हुआ है। इसमें भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट है, इसमें भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए फ्रूटिंग स्टार्ट है और इधर फ्लावरिंग भी आ रही है इधर साइड में। तो इस तरह से आप पॉट का सिलेक्शन करते हैं, हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, आप बालकनी में भी आप इसको लगा सकते हैं हैंगिंग पॉट के अंदर, या आप टेरेस के ऊपर ये लगा सकते हैं। तो साइज अगर ग्रो बैग या गमले बड़े हों तो उसमें दो दो प्लांट भी आप लगा सकते हैं। छोटे हैं 8 इंच के 10 इंच के हैं तो उसमें एक सिंगल पौधा लगाइए, कम से कम 6 इंच से 8 इंच तक गहराई होना चाहिए ताकि इसके रूट्स नीचे को चले जाए। तो इस तरह से प्लांट का केयर करिए और इसमें मॉइस्चर बनाए रखिए। आपको लगे कि इंसेक्ट का प्रभाव हो रहा है तो नीमोल का स्प्रे कर सकते हैं और इसके ऊपर आप एप्सन सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं तो उससे हरियाली बनी रहती है, या फिर सीवीड फर्टिलाइजर का लिक्विड है उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइजर एनपीके वगैरह भी आप इसके अंदर वाटर में डाइल्यूट करके आप इनको दे सकते हैं। मैंने कुछ प्लांट्स जो है सितंबर में ही लगा दिए थे, तो आप अगर सितंबर में लगा दीजिएगा तो अक्टूबर या नवंबर से इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये मार्च अप्रैल तक आपको फल देगा। कुछ वैरायटी होती हैं स्ट्रॉबेरी की जो कि गर्मियों में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा धूप नहीं होना चाहिए, शेड में या सेमी शेड में आप रख सकते हैं। अलग वेरायटी आते हैं जो गर्मियों में लगाने के लिए, और सर्दियों के लिए अलग वेरायटी आते हैं, तो उस तरह से वेरायटी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स 600 किस्म की पाई जाती है ये स्ट्रॉबेरीज भारत में, खासकर के ये कमरोसा, चैंडलर, ओफला, ब्लैक मोर, स्वीट चार्ली, एलिस्ता और फेयर फॉक्स जैसी किस्मत बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे भारत में पाई जाती है। जब भी इसके आप पौधे लगाते हैं तो करीब 30 से 40 दिन में ये फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। दो बार हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ और बाद में जब ज्यादा इसमें फ्रूटिंग आएंगे तो एक मैं हार्वेस्टिंग का भी वीडियो बनाऊंगा और उसके फायदे मैं डिटेल से बताऊंगा। थोड़े बहुत फायदे मैंने बता दिए हैं। गर्मियों के लिए अप्रैल मई में ही सीड को डाल दीजिए और सर्दियों के सितंबर महीने में आप सीड डाल दीजिए, अक्टूबर में आपका सीड जर्मिनेट हो जाएगा या फिर नर्सरी से भी आप ला सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा स्ट्रॉबेरी के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और कोई सुझाव है, कमेंट है, कुछ कहना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।